नमस्ते एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, करेक्ट? तो दिस इज़ अनिरुद्ध ढौंडियाल और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन। इस वीडियो में के एंड तक आपको पता चल जाएगा दोनों के पर्क्स और डिसएडवांटेजेस। तो मैं ये एक्सपीरियंस आपको ऐसे दे सकता हूँ बिकॉज मैं खुद एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ चुका हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये वीडियो आज तीन हेडिंग्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट वन इज़ डिस्पोजेबल इनकम, सेकेंड इज़ कन्वीनियंस एंड थर्ड वन इज़ इमोशनल स्टेट। लास्ट पॉइंट के लिए ज़रूर रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा मैं आपको उसके अंदर, ठीक है? तो पहली चीज़ पे आ जाते हैं हम, डिस्पोजेबल इनकम। देखो यार, सीधी सी फंडा है, आपकी जो ऑनलाइन कोचिंग होगी ना वो कंपैरेटिवली ऑफलाइन से होगी सस्ती, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बिग इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि बाजीराम की जब मैंने ली थी, इट वॉज 170 फॉर ऑफलाइन एंड 150 फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, करेक्ट? पर बहुत ड्रास्टिक कोई इफेक्ट आए ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो लोगों का क्या होता है, सेटअप तो सारा ऑफलाइन में ही होता है, राइट? उसी को बस वो वीडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में या फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस की फॉर्म में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, तो बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नहीं आता है। वहीं पे अगर आप स्टडी IQ IAS देख लो, अन अकेडमी भी थोड़ा महंगा है, पर स्टडी IQ IAS देख लो या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को आप चेक करेंगे, PW को चेक करेंगे, तो वो बहुत सस्ते रेट्स में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, खान सर सस्ते रेट में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर तो मैटर करती है तो ज़रूर देखना। दूसरी चीज़, सिर्फ और सिर्फ फीस से फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का रेंट, वहाँ का खाना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपको कितना ज़्यादा पैसे का फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे पैसे का फैक्टर इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आप लोग कितने फाइनेंसेस प्रोवाइड कर पाओगे, करेक्ट? सेकेंड चीज़ आ गई आपकी कन्वीनियंस। तो भाई अब यहाँ देखना, एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव, क्लियर कट होगा, आपको पता चल जाएगा। लोगों को लगता नहीं है पर खाने का जो फ़र्क पड़ता है ना, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। खाना और पानी, इन दोनों चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे आप रहोगे और जहाँ आप जाओगे, हो सकता है बाल झड़ने लग जाए पानी खाने की वजह से। खाना आपको बाहर कैसा मिलता है, कैसा नहीं मिलता है, आपकी बॉडी डाइजेस्ट प्रॉपरली कर पा रही है नहीं कर पा रही है, अगर बीमारी रहना है तो फ़ायदा क्या? तो ये चीज़ें आपको देख के चलनी है, ये भी बड़े फैक्टर्स हैं। अगर आपको पता है कि आपकी तबीयत ख़राब रहती है बाहर, अगर आप ज़्यादा खाते हो, तो या तो आप घर पर बना लो अपने आप रूम में, या फिर आप अपना ऑनलाइन ले लो कोचिंग, ऑफलाइन मत लेना उस चीज़ में। दूसरी चीज़ ये आती है एक्सेसिबिलिटी, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कि घर बैठे हैं, अपना मस्ती में बैठे हैं, अपने टेबल चेयर लिया, काम पे शुरू हो गए। ऑफलाइन वाले को थोड़ा जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। वो भी होंगे चप्पल में भी आएंगे, वो भी होंगे जो शाहरुख खान बन गए आएंगे। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़, क्लासेस, कोई फ़र्क नहीं, क्लास आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, क्लास आपको ऑफलाइन भी मिलेगी, सेम टीचर सेम कॉन्टेंट। और जो लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन में भाई हमारा डाउट नहीं पूछते, भाई बिल्कुल झूठ है। हमारे यहाँ पे सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर होया करते थे। अगर इफ़ बाई एनीमीज नहीं हो पाए तो आपके पास कॉन्टैक्ट होता कि आप किस तरीके से अपनी फैकल्टी को कॉन्टैक्ट कर पाओगे, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हो, डाउट सेशंस भी आते हैं वहाँ पे, आप क्लैरिटी अपनी ले सकते हो। तो ऐसा कोई बड़ा फ़र्क नहीं आ जाएगा। थोड़ा बहुत जहाँ पे आप कह सकते हो कोई फ़र्क आता है, वो आता है डे टू डे जो आपके नोट्स छोटे मोटे आपको मिलते रहते हैं ना, वो आपको ऑफलाइन वाले में क्या करेंगे, हार्ड कॉपी दे देंगे, ऑनलाइन में आपको PDF दे देंगे। इतना सा फ़र्क है, वो आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ऐसे कोई मतलब बहुत मेजर फ़र्क नहीं है। इस चीज़ में एक चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है, जो लोग कहते हैं कि यार इन पर्सन टीचिंग लेने में क्या आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं या फिर आपको ऑनलाइन लेने में होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने दोनों ली हुई हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन मेरे कुछ रीजंस की वजह से मेरे को हटना पड़ गया था, कि कोविड वाला टाइम था, घर में कोविड हो गया था, तो फिर 2-3 महीने मेरे ख़राब हो गए थे, तो फिर मेरा ऑनलाइन का बेनिफिट मैं ले नहीं पाया प्रॉपरली, फिर पेपर वगैरह भी आ गए तो नहीं हुआ, इसलिए मेरे को फिर ऑफलाइन एक बार और मैंने ज्वाइन करी। लेकिन मेरे को उसमें समझ में आया कि मैं वो बंदा हूँ जिसको एक फिज़िकल प्रेजेंस चाहिए टीचर की, एक इन्वायरमेंट चाहिए दोस्तों का, है ना? तो ये चीज़ बहुत फ़र्क पा देती है। बस ये चीज़ आपका बहुत सब्जेक्टिव है। अगर घर बैठ के आप पढ़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेडिकेटेड हो, कहीं से कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रही है, आप 2.5 घंटे एक जगह बैठ सकते हो, एक शिफ्ट में 2-3 शिफ्ट ऐसी लगा सकते हो, तो ले लेना यार ऑनलाइन। फ़ायदे फिर तो बहुत है ऑनलाइन के, फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? फिर आपको घर का खाना मिल रहा है, माँ बाप का प्यार मिल रहा है, थोड़ा देखने के लिए उनका डंडा भी पड़ जाएगा वो भी मिल रहा है, आपको रहने का रेंट नहीं देना पड़ रहा, सस्ता पड़ रहा है, तो फिर तो बहुत फ़ायदे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पिलर आ रहा है वो है इमोशनल स्टेट। इसके अंदर बहुत चीज़ें कवर होंगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, ये ज़रूर सुनना। सबसे पहली चीज़ इन्वायरमेंट, मैंने अभी बोला आपको, अगर आपको घर में बैठना है उसके क्या फ़ायदे हैं कि माँ बाप हैं आपके आसपास, आपको देख सकते हैं, आपका देखभाल रख सकते हैं, खाना आपको सही मिल रहा है, आपको चॉइसेस हैं कि आप बाहर घूमो ना घूमो, दोस्तों को कह सकोगे पढ़ रहा हूँ कुछ है वगैरह, ये इसके फ़ायदे हैं।
ऑफलाइन के आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, नंबर एक फ़ायदा होगा कि आपके आसपास का जितना भी माहौल बनेगा आपके सेम क्लासेस के रिगार्डिंग बन जाएगा। अगर आप बनाना चाहते हो अच्छा, आपको वहाँ पे जो भी मटेरियल होगा, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर की चीज़ें होंगी वो मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत ईजीली आपको अप टू डेट रहोगे आपके इर्द गिर्द चल क्या रहा है। आप ये देख सकते हो कि लाइब्रेरीज़ हैं, आपके यार दोस्त क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन का माहौल आपको दिखेगा। ऑफलाइन में आपने खुद से कॉम्पिटिशन करना है, वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन का माहौल दिखता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैंने ऑफलाइन क्यों लिया, मेरे को पता चल गया था कि मैं किस तरीके में हूँ। मेरे को जैसे कहते हैं कुएं का मेंढक वाला सीन, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले वैसे रहते हैं, उनको भी सब पता होता है, पर मेरे को अपने पर्सनली फील होता था, इस वजह से मैं ऑफलाइन के लिए मैंने ऑप्ट करा। अगली चीज़ आती है आपका फ्रेंड सर्कल कैसा बन रहा है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। ऑफलाइन में जा रहे हो तो वहाँ पर कैसे दोस्त बनाओगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एग्ज़ाम को क्लियर करने में और ना क्लियर करने में, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके बाद ये चीज़ ना लोग वैल्यू नहीं करते हैं पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है इमोशनल जो आपको बैलेंस मिलता है अपने घर में माँ बाप का, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उन्हें देखते रहते हो आपको लगता है नहीं आपने करना है करना है करना है, बाहर रहते हो तो आपको ज़रूर एक ना एक बार तो अपने दो एक दो दिन में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, एक मोरल बूस्ट होता है उसमें आपका, वो ज़रूर करना। नेक्स्ट इज़, ये कोई बहुत बड़ा वाला फैक्टर नहीं है पर हाँ फैक्टर आता है, आपको ये देखना पड़ता है बाहर ऑफलाइन में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका जो रूममेट्स होंगे या फिर आपके जो यार दोस्त होंगे वो कहेंगे घूमने भी चलो, इधर भी चलो, उधर भी चलो। यू शुड नो कि आपको कब नो बोलना, राइट? ऐसा मत कर देना हर चीज़ में हाँ भाई ठीक है भाई ये है भाई, वो भाई साल कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा, लोगों को लग रहा है ये क्या हमसे पॉइंट है ऑनलाइन ऑफलाइन में, भाई बहुत बड़ा पॉइंट है। पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका कि क्या कंटेंट मिल रहा है क्या नहीं, सब सेम मिलता है वहाँ पे, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की बात है आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन में। पर ऑफलाइन के कुछ जो बेनिफिट्स बताए हैं मैंने वो अलग से बता दिए हैं कि वहाँ पे आपको माहौल किस तरीके का मिलेगा, यार दोस्त बना सकते हो तो आपकी ग्रुप स्टडी हो जाएगी, ये वो ये वो, पर ये बहुत बड़ा घाटा भी हो सकते हैं कि आपके दोस्त कैसे बन रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने बहुत ही बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है। तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन के क्या पर्क्स हैं क्या घाटे हैं, है ना? तो सोच समझ के करना डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं होगा कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आपको अपने बारे में पता है। अगर आपको लगता है कि भाई बाहर जाके ही होगा तो प्लीज़ बाहर जाना, अगर लगता है घर से मैं कर सकता हूँ आई हैव दैट कैपेबिलिटी तो घर से करो, दिस विल बी माई एडवाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज़ अनिरुद्ध ढोंडियाल, नमस्ते, टेक केयर।